20 किलोमीटर दूर अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पारसनाथ मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा पर दो दिवसीय मेला भरेगा, जहां पर हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। बता दें कि अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पारसनाथ परिसर में मंदिर में विशेष साज सज्जा आकर्षित का केंद्र विद्युत और रोशनी लगाई गई है, जिसमें 7 से 8 नवंबर को दो दिवसीय मेला भरा जाएगा, जिसमें जैन दिगंबर समाज के अध्यक्ष जयंती लाल सेठ, महामंत्री हंसमुख लाल सेठ ने बताया है कि विगत 80 वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा का मेला मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। प्रतीक पूर्णिमा पर निर्वाण लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं। यह अतिशय क्षेत्र जैन के अलावा ही अन्य समाज के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर प्रतिदिन परिसर में दर्शनीय लोग आते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र यह अंदेश्वर पारसनाथ मंदिर बना हुआ है। बता दें कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण ही मेला आयोजित नहीं किया गया था। सेठ ने बताया है कि 2 दिवसीय मेले में 7 नवंबर सोमवार को वह 8 नवंबर मंगलवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सोमवार को शाम को घट यात्रा निकाली जाएगी और आरती सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और मंगलवार प्रातः अभिषेक निर्माण लड्डू चढ़ाया जाएगा। शाम को पांडुक शिला पर भी अभिषेक पूजा अर्चना होगी और मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाई जाएगी। बता दें कि स्वामी वात्सल्य लाभार्थी बदनजी रेखाजी हुमंड बड़ौदरा हैं और इस साल मेले में विशाल स्तर पर आयोजित करने का योजना बनाई गई है। बता दें कि मेले में रियल सामग्री की दुकानें, झूले और रेस्टोरेंट, मिठाइयां की दुकानें लगाई जाएंगी और जहां पर क्षेत्र के आदिवासी के अलावा ही हजारों लोग दर्शनार्थी मेले में भाग लेंगे। बता दें कि अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पारसनाथ मंदिर कुशलगढ़ से 20 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित है। बता दें कि पारसनाथ मुख्य मंदिर के पास भगवान पारसनाथ की 35 फीट की ऊंची खड़कासन प्रतिमा, 24 जिनालय के दर्शन हेतु बने हुए हैं और सेठ ने बताया है कि चैतन्य चमत्कारी अतिशय पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है।